बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में 22 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला लगने जा रहा है। वहीं बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर आने वाले श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम का प्रसिद्ध प्रसाद पेड़ा चूड़ा इलायची दाना जरूर लेते हैं। वहीं श्रावणी मेला में बिकने वाले प्रसाद का दर जिला प्रशासन ने तय कर दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। आगामी 22 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की देवघर से शुरुआत होने जा रही है। इसको लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह तैयारी में जुट गया है। खास तौर पर श्रावणी मेले में सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रसाद पेड़ा चूड़ा और इलायची दाना के रेट पर जिला प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। इसको लेकर एसडीओ सागरी बराल ने पेड़ा व्यवसायियों के साथ एसडीओ कार्यालय में बैठक की, जहां उन्होंने पेड़ा व्यवसायियों को श्रावणी मेले में गुणवत्ता पूर्ण और उचित दर पर प्रसाद बेचने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पेड़ा व्यवसाय मिलावट ना कर सके, इसको लेकर उड़नदस्ता की टीम की दुकानों पर पैनी नजर रहेगी। हम लोगों ने ये बैठक जो किया था सभी पेड़ा चूड़ा व्यवसायियों के साथ किया था कि एक जो है रेट जो है तय हो जाए पेड़ा का चूड़ा का और इलायची दाने का, और साथ ही में जो है उनको कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया जाए कि आने वाले श्रावणी मेला को हम लोग किस प्रकार से बेहतर तरीके से करेंगे और आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो एक अच्छी अनुभूति लेकर यहाँ से जाएं। उसके संबंध में कुछ दिशा निर्देश उन लोगों को दिया गया है कि वो लोग जो है पेड़ा वगैरह का निर्धारित दर जो है उसका उसी अनुसार जो है वो अपना सामान बेचेंगे, साथ में जो है अगल बगल साफ सफाई रखेंगे और उससे अधिक दर पे नहीं बेचेंगे। उनको जो है लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा और जो भी पेड़ा बेच रहे हैं उनको यूज़ बाय डेट लिखना अनिवार्य होगा कि वो पेड़ा तो ले जाते हैं लोग लेकिन पता नहीं होता है कब तक यूज़ करना है, तो वो ज़रूरी लिखना होगा। और इसका उन लोगों ने प्रॉमिस भी किया है कि वो सभी जो है उसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। बाबा धाम में भगवान शिव को बतौर प्रसाद पेड़ा चढ़ाने की परंपरा है। यहां आने वाले श्रद्धालु कांवरिये बाबा के प्रसाद के तौर पर पेड़ा खरीदना नहीं भूलते हैं। हर कोई अपनी अपनी क्षमता के अनुसार पेड़ा खरीद कर घर ले जाता है। वहीं उनकी शिकायत भी रहती है कि श्रावणी मेले में पेड़े में मिलावट की जाती है। जब से हम लोग बड़ा हुए हैं देवघर का पेड़ा खा रहे हैं जो कि बहुत स्वादिष्ट होता है, और हम लोग ललायत में रहते थे जैसे घर में सुनते थे कि कोई प्रसाद देके गया तो पेड़ा पर हम लोग हमला कर देते थे क्योंकि यहाँ का पेड़ा बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन बीच में थोड़ा सा भीड़ बढ़ जाने के कारण कुछ मिलावट भी होने लगी जो कि ये बहुत निंदनीय है, मिलावट नहीं होना चाहिए। आप रेट थोड़ा बढ़ा के ले लीजिए लेकिन उत्तम क्वालिटी का सामान देना चाहिए क्योंकि देवघर अपने पेड़ा के और यहाँ चूड़ा के रूप में काफ़ी विख्यात है, ये काफ़ी हम लोग बचपन से खाएं और नाम लिए हैं। बहरहाल जिला प्रशासन ने श्रावणी मेले में बिकने वाले प्रसाद को लेकर सरकारी दर तय तो कर दी है, साथ ही पेड़े में मिलावट की शिकायत पर कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत भी दे दी है, लेकिन प्रशासन के निर्देश को प्रसाद विक्रेता कितनी गंभीरता से लेते हैं ये देखने वाली बात होगी।